हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, हाल ही में एक न्यूज़ आपने देखी होगी कि एग्जाम कैलेंडर आ चुका है और उसमें जो आपने एग्जाम देखे, तो आई होप अगर आप लोग यहाँ पे लैब असिस्टेंट या फिर दूरसंचार की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप लोग इस न्यूज़ से खुश नहीं होंगे क्योंकि इसके बारे में इसमें कोई अपडेट नहीं है। तो सर, इस बारे में आपका क्या कहना है कि अभी मतलब जो बच्चे दूरसंचार को लेकर के यहाँ पे मतलब अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है, दूसरा लैब असिस्टेंट का भी डेट फिक्स नहीं हुआ है, तो ये एक कन्फ्यूजन की स्थिति है, तो इस पर मतलब आपका क्या कहना है सर इसमें? ठीक है, देखिए अरुण सर, जैसा कि हम सभी को पता है कि कल एक न्यूज़ आई थी जिसमें आपके चार एग्जाम्स के बारे में बात हुई थी, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल की बात हुई थी, पटवारी लेखपाल है, उसके बाद आपका जो फॉरेस्ट गार्ड और सहायक लेखाकार है, तो ये एग्जाम आपके दिसंबर जनवरी फरवरी में आपके होने हैं। तो इससे जो दूरसंचार एग्जाम की जो री एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, वो होता है नहीं होता, वो भी एक अलग कन्फ्यूजन है अभी, तो ठीक है, उसको अभी मैं स्टूडेंट आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले जो लैब असिस्टेंट का है उसमें भी आपका कन्फ्यूजन है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं है, उसमें यह है कि वो डिले हो चुका है, वो एग्जाम एक लंबे टाइम से डिले, हाँ वो कब से डिले हो ही रहा है, हमने उसमें आपके जो हम पिछले एक डेढ़ साल से उसको पढ़ा ही रहे हैं आई थिंक, ठीक है, लास्ट ईयर शायद मई जून में हमने शायद स्टार्ट जून में मेरे को देखना पड़ेगा कब से स्टार्ट किया, लेकिन एक डेढ़ साल तो उसको हो चुका है, एक साल, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो जो आपका उसमें हम बात करें आपका जो हेड कांस्टेबल आ रहा दूरसंचार, उसमें तो यही कन्फ्यूजन है कि पेपर रद्द होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक दिन पहले न्यूज़ आती है कि पांच जो एग्जाम है जिनका रिजल्ट नहीं आया वो रद्द हो गए, अगले दिन न्यूज़ आती है कि पुलिस रैंकर्स का रिजल्ट निकाला जाएगा और बाकी चार पे पुनर्विचार किया जाएगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन इसमें यह है, जैसे मान लीजिए ठीक है अभी इसमें इसका कोई अपडेट नहीं आया है कि दूरसंचार का अभी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, तो इस समय बच्चों को क्या करना चाहिए? ओके, जैसे अभी आपने देखा कि ये भी एक चार यहाँ पे एग्जाम्स हैं, लोग अब इनका एग्जाम होना ही होना है और इसमें लोग तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो अभी लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट हैं या फिर जो दूरसंचार की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको क्या अभी करना चाहिए, किस वो कन्फ्यूजन की स्थिति हमें? देखिए अरुण, हाँ इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, ये सिलेबस ही बिल्कुल डिफरेंट है, करेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, ये मेरी पर्सनल राय है और जो मुझे लगता है कि जो आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम है या जो दूरसंचार का अगर री एग्जाम होगा तो वो अभी तो नहीं होना है, वो 2023 में ही आपका अप्रैल मई जून उसके बाद ही होना है, तो अभी उसमें आपका बहुत टाइम है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से भी आपका जो पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल तो उनने कर ही रहे थे, लेकिन कांस्टेबल की भी वो तैयारी कर रहे थे या एसआई की तैयारी कर रहे थे या पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे थे, तो उनको मेरी पर्सनल ये सलाह है कि आप जो है अब कुछ टाइम जो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ये छोड़ दें, इंग्लिश छोड़ दें, अब आप केवल किस पर ध्यान दीजिए, आप दीजिएगा 20 नंबर की हिंदी, 40 का उत्तराखंड, 40 का जो अदर जीएस वाला पार्ट है, ये उन लोगों के लिए जिनने दो तीन एग्जाम जो भरे हुए हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने केवल एक ही एग्ज़ाम भरा हुआ है, वो लोग क्या करें, वो लोग अभी अपनी जो पढ़ाई है उसको चालू रखे रहें, ठीक है, उसको आप लगातार करें। और स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अरुण सर साथ में मैथ्स के साथ साथ यहाँ पे रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, तो हमारी जो पूरी टीम है जहाँ पर ऋषभ सर पढ़ाएंगे आपको उत्तराखंड, ठीक है, अरुण सर आपको जो है वो रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद आरती मैम हिंदी पढ़ाती हैं और चित्रेश सर जो हैं वो आपको यहाँ पे आपका जो जीएस वाला पार्ट पढ़ाते हैं। तो हमारी पूरी टीम ने भी आप लोगों के लिए एक मैसेज आपका छोड़ा हुआ है, उसको अभी आप देखेंगे। और मैं कहना चाहूँगा अपने मन को मोटिवेटेड रखिए, इस टाइम पे स्ट्रांग बनिए, निराश मत होइए, निराश होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, मेहनत कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है वो आगे पीछे चल रहा है, ठीक है, उसमें आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, मोटिवेटेड रहना है। तो हमारी टीम ने आप लोगों को एक छोटा सा एक संदेश यहाँ पे रखा हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। हाय गाइज, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, अगर आप यहाँ पे यूपीपीएससी के एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पटवारी लेखपाल कांस्टेबल यानी ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम हैं उनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हैं। जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वो हल्द्वानी में कुसुमखेड़ा चौराहे के पास जो हनुमान मंदिर है उसी के पास है, तो आप हमारे यहाँ पे इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो क्लासेस का टाइमिंग है वो 11 से 1 बजे का है, राइट। तो यहाँ पे आपको ऋषभ सर यहाँ पे उत्तराखंड पढ़ाएंगे, चित्रे सर आपको जीके वाला पोर्शन कवर कराएंगे, मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग वाला पोर्शन कवर करवाऊंगा और मैम आपको हिंदी वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आपको कवर कराएंगे, यानी कि जो आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर है उसकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। तो अगर आप हल्द्वानी में रहते हैं तो कुसुमखेड़ा चौराहे के पास हनुमान मंदिर के पास हमारे कोचिंग सेंटर में विजिट कर सकते हैं। और भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको नीचे कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे और नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी जानकारी इस कोर्स की यहाँ पे ले सकते हैं। तो गाइज़, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।